आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। ऐसी छोटी शहर से आने वाली लड़कियों पर ना इतना एटीट्यूड सूट नहीं करता। वैसे महा, तुमने कंपटीशन जीत के ना अच्छे खासों के मुंह बंद कर दिए। चलो अमन और फिजा, छोटे लोगों की छोटे बातें शुरू हो। इस यूनिवर्सिटी में जुहेब को हराने के लिए बहुत से लोग आए हैं और बहुत से लोग चले गए। जुहेब को हराना इतना आसान काम नहीं है। सबने बहुत अच्छा बोला और कुछ इनाम के हकदार भी हैं। अच्छा, कुछ जो पीछे रह गए हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अच्छा नहीं बोला। अब मैं जो नाम लेने जा रहा हूं, जिस स्टूडेंट ने बहुत अलग और बहुत उम्दा इस सिलसिले में बोला है, इस उनवान पे कहा है, उसका नाम है महा शफकत। जुहेब, जुहेब, अरे तुम यहां बैठे हो? मैं सारे घर में तलाश कर रहा था तुम्हें। कोई परेशानी? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं। आज तो तुम्हारा स्पीच कंपटीशन नहीं था, कुछ कभी सुनाई नहीं तुमने। सॉरी पापा, हार गया। अच्छा तो ये बात, परेशानी की कोई बात नहीं। लेकिन मैं हारा क्यों? वो भी लड़की से। तो अगली बार तुम उसे हरा देना, उससे ज्यादा मेहनत करके। बेटा, ये जो गलती होती है ना, ये एक सबक होता है, हार नहीं होती। जो गुजर गया वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये पल जो इस वक्त हम जी रहे हैं, ये हमारे हाथ में। इसे अच्छा बनाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो। अभी मजनू की तरह बैठोगे, तुम्हारी अम्मा देख के परेशान होगी तुम्हें। चल जाओ, फ्रेश हो। ये जीत इस हॉस्टल में सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये पूरे हॉस्टल की जीत है। इस सिलसिले में मैं महा शफकत को बुलाना चाहूंगी। यहां शाबाश, इसी तरह अपनी मेहनत और लगन से अपने मां बाप के साथ साथ इस हॉस्टल का नाम भी रोशन करो। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। ट्रीट में क्या था? चाइनीज। मैं आइसक्रीम। मैं बर्गर। बर्गर, आइसक्रीम, चाइनीज। मैडम ने ना इसको हीरोइन बना दिया। पहले इसके नखरे कम थे, जो सर पे बिठा दिया। देख लेंगे इसको भी, यहाँ रहेगी तो चमचागिरी करेगी ना। पहुंच भी मैडम ने चमचियां लग दिया नहीं, एक होड़ लग गई। गर्ल्स, कैसा लग रहा है? चलो, तू उन कितने जा रही है? बताया तो था मेरी मीटिंग है और आज तक कॉन्ट्रैक्ट होगा। तुम अकेली जा रही हो? जी नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी। नहीं भाई, मैं नहीं जा रही, तुम्हारे साथ पकड़े गए ना तो मसला हो जाना। पहले कभी पकड़े गए हैं क्या जो अब पकड़े जाएंगे?
तुम्हें पता है पहले शाजिया मैडम नहीं थी, अब वो आ गई है, सर पे 24 घंटे मंडलाती रहती है। अरे कुछ नहीं होता, जो होगा ना फिजा संभाल लेगी ना। क्यों फिजा? ना तू मेनू मलीदा बकरा बना लिया कर, हर वेले मैं ही संभालूंगी सारा कुछ। तुम तो पहले से ही डर जाया करो, कल को जब मैं बड़ी स्टार बन जाऊंगी ना तो तुम लोग ही इतराओगी मुझे अपना दोस्त कहने के लिए। वेल तुम लोगों से ना कुछ भी नहीं होता, छोड़ो बस। अच्छा चल ना मूड ठीक कर, मैं तेरे साथ चलती हूँ। पक्का? हाँ पक्का, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई ना तो फिजा संभाल लेगी। ना पहले भी मैं ही संभालनी है। चुप कर, आई लव यू, चला जा। तू जा, कोई अच्छा सा ड्रेस पहन ले। अरे ये मुसीबत है मेरे सिर पे ही ने। उमरिया बीती जाए, रासुबैता का बुना आए, जवानी रोए रे आए। चाचा, ओ चाचा। राम मौला गोत्रा के तुम लोग किधर? चाचा बस बाहर जा रहे हैं काम से, थोड़ी सी देर में वापस आ जाएंगे। फिर वो मैडम संभाल लेना प्लीज। सब संभाल लूंगा, जल्दी आ जाना। आर यू श्योर तुमने उन्हें जाते हुए देखा था? यस मैम, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। नॉक करो दरवाजा। मैडम सब खैरियत है? एवरीथिंग इज ऑल राइट, आप लोग अपने कमरे में जाइए। जी मैडम। सहर और ईमन कहाँ हैं? अंदर ही ने सुतियां ने। दिखाओ मुझे। मैडम मैं कह रही हूँ ना, मैं तो यकीन दे करो, अधी रात नाले उन्होंने कितने जाना है। हटो दरवाजा खोलो, छोड़ो। मैडम मैम प्लीज मेरी बात का यकीन करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले उन लड़कियों को बाहर जाते हुए देखा था। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं ना तो आप शर्फू से पूछ लीजिए। चलो शर्फू के पास। साला मच्छरों ने नींद हराम कर दी, कम्बल मारा जाके नहीं दे रहा, अभी छोड़ूंगा नहीं उसको। हाँ ही आया बच गया साला, मौला खुश रखी, अब कहता उजाया नहीं जाने दूं। वो फिर बच गया, मेरा ख्याल है मच्छर को धोखा देना पड़ेगा। क्या हो रहा है शेफू? रख कुछ नहीं मैडम, मच्छरों से WWF रेसलिंग हो रही थी। ये बताओ कुछ देर पहले कुछ लड़कियां यहाँ से बाहर जाने के लिए आई थी? ना मैडम ऐसा कैसे हो सकता, मौला खुश रखे और मैं भला आधी रात को इधर से किसी को जाने दूंगा? क्योंकि आपका तो हुक्म है कि इधर कोई पत्ता भी ना हिले, मैं तो मच्छरों को हिलने नहीं दे रहा। शाजिया मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी, तुमने अपने शक को यकीन में बदल कर कितना बड़ा हंगामा बर्पा किया है हॉस्टल में इस वक्त। सॉरी मैम, आइंदा ये नहीं होना चाहिए। श्योर, होप यू अंडरस्टैंड। शुक्र अल्लाह बच के। शुक्र तो ना सानू, शर्फू चाचा तो जबैदा मासी का करना चाहिए जिन्हें ने सानू दसता, नहीं तो ना इस वेले असीं इस होस्टल तो बाहर होंगे। तो तुहानू मैं इन्नी वारी कहा है, तुहानू ना फसन का बड़ा ही शौक है। यार करें भी तो क्या करें, मुझे ये समझ नहीं आ रही आखिर कब तक ऐसा चलेगा। नहीं अब ऐसा मजीद नहीं चलेगा, उस मनहूस औरत की वजह से इतनी मुश्किल से मिला प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया, सारा बना बनाया काम बिगड़ गया।
मैं तो कह रही हूँ सानू ना बड़ा वेख के चलना पैना है यार। छड़ हूं, जो हो गया हो गया। ऐसे कैसे छोड़ दो, उससे बदला ना लिया ना तो मेरा नाम भी शहर नहीं। क्या करोगे तुम? ठीक है, रात के इस टाइम पे वार्डन और इंचार्ज का इविल गैंग के दरवाजे पे खड़े होना बता रहा है जरूर कुछ उल्टा हुआ है, और इस बार कुछ ज्यादा ही उल्टा हुआ है। सुनो तुम्हें एक बात कहूं, बहुत अच्छी बात है अगर उल्टा किया है। उल्टा करेंगे, पकड़े जाएंगे और फिर इस हॉस्टल से निकाले जाएंगे और हम सब एक सुकून का सांस लेंगे। माँ वाकई तुम अभी इस ग्रुप को नहीं जानती, ये जो लोग हैं ना ये फंसने वालों में से नहीं फंसाने वालों में से। और पूरा हॉस्टल आदन का जासूस और आदन की फेवर में, और ये शहर जैसी जो लड़कियां होती है ना ये कुछ भी कर लो बहुत सफाई से बच के निकल जाती हैं, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। यार सुनो, चलाकी कहीं ना कहीं मार खाती है, और ये जो बुराई होती है ना ये कभी ना कभी अपने अंजाम को जरूर पहुंचती है। हमने भी यही सुना है, लेट्स सी, तुम देख लेना ऐसा ही होगा। तुम भी बस करो और सो जाओ, अगर इतनी मेहनत तुमने कोर्स के लिए की होती ना तो पता नहीं क्या होता। पता नहीं फरवा तुम इस ख्वाबों की दुनिया से कब निकलोगी। बस स्टोरी का क्लाइमेक्स रह गया, बस 5 मिनट। ये जो ख्वाबों की हसीन दुनिया हम लड़कियां किताबों के जरिए अपनी आंखों में सजा लेती हैं ना, हकीकी जिंदगी में इनकी ताबीरें सिर्फ अजियतनाक होती हैं और कुछ नहीं। तो इससे अच्छा यही है कि ऐसे ख्वाब देखो ही नहीं, उसको टूट जाने का खौफ हो, है ना महा? ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। सुनो एक काम करते हैं कि आप सो जाते हैं, पता नहीं सुबह टाइम पे आप खुले या नहीं, सही है? सोना चाहिए। सुमन तुम बहुत बुरी हो। गुड नाइट। गुड नाइट मैडम, लाइट्स तो बंद कर दो यार। अच्छा वैसे फरवा भी ना बहुत टाइम लगाती है, बस आती होगी, थोड़ा वेट कर लेते हैं उसका। वैसे ना मैंने आज नाश्ता ठीक से नहीं किया, बहुत भूख लग रही है, यूनिवर्सिटी में जाके कुछ खाएंगे ठीक है? मेरा भी आज दिल करे बाहर से खाने का। मैम सब खैरियत थी रात में? मैम अब वो फिजा बता रही थी कि आप कल रात हमारे रूम में आई थी हमारे सोने के बाद वार्डन के साथ। क्या हुआ? अगर कोई काम है तो आप मुझे बता दे। ज़्यादा मासूम मत बनो, तुम्हारी मासूमियत का असली चेहरा मैं कल रात देख चुकी हूँ। लेकिन याद रखना, कल रात तो तुम वार्डन की नजरों में धूल झोंकने में कामयाब हो गई, लेकिन हर मरतबा ऐसे नहीं होगा। मैम ये आप क्या कह रही हैं? और आप ऐसे बिना सबूत के मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। हाँ मैं मानती हूँ इस बार बिना सबूत के लगाया है, लेकिन अगली बार सबूत के साथ निकाली जाओगी इस हॉस्टल से। चले देख लेते हैं कि इस हॉस्टल से कौन निकाला जाता है। ख्याल रखें मैं। देखा कैसे हमेशा की तरह तशरीफ ली। हाँ और बेचारी मैम शाजिया। I'm so sorry यार, मैं लेट हो गया। I'm so sorry, चलो चलते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारा रोस्ट है। चलो। अरे प्रेजेंट मॉर्निंग विद अ प्रेजेंट सरप्राइज। हेलो कैसे हो? ठीक हूँ। दरअसल मैं तुम्हारी शहर अंग्रेजी की आदत से वाकिफ था, इसीलिए सुबह से चलाया कि तुम मेसर हो जाओ। बहुत अच्छा किया, यही फुर्सत के लम्हे होते हैं, फिर सारा दिन बहुत मसरूफ गुजर पाया। पर ऐसे ही है। तो खैर फाइनली वतन की मोहब्बत खींच लाई तुम्हें? वतन की मिट्टी नहीं, खून की कशिश। हमारे बेटे ने यहीं पढ़ना था और इस मुल्क में रहना था। अच्छा और तुम क्या सोचते हो? भाई बेटा इस मुल्क के बिना नहीं रह सकता और हम बेटे के बिना नहीं रह सकते। तुम जानते हो आजकल की औलाद को चाहते हुए भी अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकते हम पर। सही बात है। तो इसका मतलब है बिजनेस वगैरह यही सेटल करना पड़ेगा?
ऑब्वियसली यार तुम्हारे पास आया किस लिए होगा? यार एक काम करो ना, रात को घर पे मिलते हैं, तुम घर आ जाओ, खाना भी साथ खाएंगे और ये बिजनेस की डिस्कशन भी हो जाएगी। चलो ठीक है, वैसा कर लेते। और हाँ, भाभी और अपने बेटे को जरूर लाना, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारा मोहित देवतन बेटा कैसा है। हाँ जरूर जरूर, कॉफी तो पिलवाओ। हाँ हाँ जरूर। और कैसे चल रहे? और जबरदस्त यार, तूने बड़ा टाइम लगा दिया आते। हाँ भाई बस जी सर, बड़ा जो अच्छी सी कॉफी बना के आओ। ओके सर। तो वहां क्या हालात हैं? रात दिल लगी मैं ऐसी, दिल को लगे के दिल खो गया, रात सुबह का दीवाना ये दिल। ओहो माशाल्लाह, ये ले मर। और कितना मरूं, तेरे पे तो मर गया हूँ। अब तैं इतनी देर में क्यों आवे, रात देख देख के मारिया के पतरा गए मौला को रख के। देख शर्फू, ये अपनी उम्र का तो कुछ ख्याल किया कर, तेरा पूरा सर सफेद हो गया है। रात सर सफेद है ना, खून से सफेद नहीं हुआ। मैं कौन सा तेरा खून चूसती हूँ जो मुझे पता चले। देख ये आशुकी माशुकी को छोड़ दे, और वैसे भी मैडम ने मुझे कहा है कि जब तक सारी हॉस्टल की लड़कियाँ नाश्ता ना कर ले तुम इधर से उधर नहीं हो सकती। हाँ नाश्ते की तो माने परवाह नहीं, तू बोले डिनर में नाश्ता दे दिया कर मैंने, लेकिन ये उम्र वाली बात चले ठीक नहीं की, माला खुद रख गए। अरे सर का क्या, बाल तो बच्चों के भी सफेद हो जावे। बाल तो मैं वैसे भी कलर करके काले करके रखूं। तैं कौन सी छोटी उम्र की है, हमारे से 2-4 साल आगे पीछे ही की है। टाइम पे शादी हो जाती ना थारी, तो आज 2 बच्चों की माँ के बजाय नानी कहलाती नानी। जुबैदा इधर आओ। हाँ आई। तुझे जवाब तो मैं ऐसा देती ना कि तू याद रखता, लेकिन अगर मनहूस मारी आवाज नहीं देती मुझे तो। टाइमिंग इसी को कर मैं। ये ले पकड़। ये काय के 200 रुपए, मैंने ऐसा क्या जुर्म कर दिया? ये कल रात की खबरी के पैसे दिए हैं मैडम ने, 200 रुपए। थैंक यू भाई थैंक यू। भाई तो लाइफ पार्टनर अच्छी होवे ना होवे, बिजनेस पार्टनर अच्छी है भाई। मौला खुश रखे। दूर फिटे मुंह दे रहा, हमें बकवास करता है। मौला खुश रखे। अबे क्या और महंगाई बढ़ गई क्या? सेल्फीया लेने छोड़, पहले उस पिज़्ज़ा को बोला कि जल्दी आ। पिज़्ज़ा? वाह यार तू तो बहुत प्यारी लग रही है। सुन ये पहन और जल्दी निकलने की कर, इससे पहले कि कोई देख ले। ठीक है। वैसे सैर तू किन्नी चंगी है, सोचू जे ना उन्दी ते की हुंदा मेरा। अच्छा सुन, तारीफ है बाद में करना, अब जल्दी जा बहन। और सुन यूनिवर्सिटी के ऑफ से पहले पहले आ जाना प्लीज। हाँ पर हाँ खाने पीने में हमें जरूर याद रखी, आते हुए प्लीज समोसा ले प्लीज। अच्छा ठीक है। तू तो चल, तू क्या वेट कर रही है, चल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, साइलेंस प्लीज। आई एम गोइंग टू अनाउंस योर रिजल्ट्स टुडे। जुहैब, सुंबुल और अदनान, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप जैसे बिलियन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में एक और बिलियन स्टूडेंट का इजाफा हो चुका है। शी केम, शी सॉ एंड शी कॉन्कर्ड, एंड शी इज नन अदर देन महाशफकत। कॉन्ग्रेचुलेशन। महा ने इस साल तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स में बेहतरीन मार्क्स दिए, आई मीन टू से मैक्सिमम मार्क्स। पता है इतनी मुश्किल से क्लास बंक करके आई हूं मैं, ऐसे क्या देख रहे हो? क्यों, क्या हुआ? ना देखूं क्या? वैसे तुम लगी इतनी अच्छी रही हो कि बस अब तुम शुरू मत हो जाना, हर रोज रात को यही बातें सुनती हूँ तुमसे, काफी होती है मेरे लिए वो। लगता है कि
थप्पड़ वाली बात पर अभी तक तुम्हारा मूड ऑफ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी बदला लेने में हेल्प कर सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, उसने मुझे थप्पड़ मारा ना, मैं उसे खुद बदला ले लूंगी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं लेने की कोई भी बदला। चलो जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन अगर मेरी हेल्प चाहिए हो ना तो मुझे बता देना। वैसे अब हम यहीं बैठे रहेंगे, कहीं जाएंगे भी? देखो मैं तो इसी नीयत से आया था कि तुम्हारे साथ फिल्म देखूंगा, तुम्हें शॉपिंग पे लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा मूड ही ऑफ है। नहीं नहीं, मैं तो खुद उस मूड से निकलने के लिए तुम्हारे पास आई थी कि कहीं चलते हैं, कहीं मूवी देखते हैं। चलते हैं कहीं? चले हाँ चलते हैं। ठीक है। नहीं तुम लोग चले जाओ, मेरा प्लान नहीं है। हाँ मैंने ही कहा था तुम लोगों को, लेकिन आज दिल नहीं चाह रहा मेरा। चलो ठीक है फिर, तुम लोग जाओ, मैं कल बात करता हूँ। क्या हुआ, मूड क्यों ऑफ है? कुछ नहीं बस ऐसे ही। पता तो चले क्या हुआ है। मॉम आज वो लड़की फिर से मुझसे ज्यादा मार्क्स लेकर यूनिवर्सिटी में। लड़की? कौन सी लड़की? आप हंस रही हैं? हाँ तो और, हंसू नहीं तो और क्या करूं? कमाल है, तुम कब से इतने नाजुक मिजाज हो गए कि किसी के तुमसे आगे जाने पर तुम्हारा मूड खराब हो गया? भाई अगर उसने तुमसे ज्यादा पोजीशन छीनती है मॉम तो बुरा तो लगता है ना, बताएं इसका क्या किया जाए? इसका हल ये है कि आपको इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि कोई आपकी पोजीशन को चाहते हुए भी चैलेंज ना कर सके। ये छोटी छोटी शिकस्तों के ऊपर बैठ के रोना या परेशान होना कोई अच्छी बात नहीं होती। आदमी को अगली जीत की तैयारी करनी होती है। आपकी कहाँ की तैयारी है? अब्बास की तरफ गया था मैं, उसने हम सबको आज खाने पर बुलाया। मैं तो नहीं जा सकूंगा, थका हुआ हूँ। प्लीज यार, वो मेरा दोस्त है पुराना और मुझसे अगर वो तुमसे मिलना चाहता है सो प्लीज वक्त पर तैयार हो जाना। ठीक है चले, मैं फिर चेंज करता हूँ। ओके मैं तैयार हो जाऊँ? जरूरत तो नहीं आपको तैयार होने की। जमाल आप चले, मैं तैयार होकर आ जाऊँ। टाइम है अभी। ठीक है। वैसे तुम्हें मैं मान गई महा, तुमने तो आते ही दिलों को फतह कर लिया। फरवा तुम कब अपनी इन किताबी बातों से बाहर आओगी? महा को ये कहो कि इसने अपनी जहानत से हॉस्टल और यूनिवर्सिटी में अपना एक मकाम बनाया है, जिसे दिलों को फतह करना तो नहीं लेकिन हाँ दुश्मनों की तादाद में इजाफा करना जरूर कह सकते हैं। क्या मतलब? मतलब यही महा कि हर कोई हमारी कामयाबी देख के खुश नहीं होता, कुछ लोग हसद भी करते हैं और ये वो लोग होते हैं जिनकी पोजीशंस को ठेस पहुंची है। तुम लोग शहर की बात कर रहे हो? खाली शहर नहीं, और भी होंगे जिनको शायद अभी तक तुम जान भी नहीं पाई हो। खैर ये सारी बातें छोड़ो, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी कामयाबी से। महा तुम अपने इस मकाम को हमेशा बरकरार रखना। थैंक यू। तुम लोगों को एक बात बताऊं, इस मुकाम को सिर्फ बरकरार नहीं रखना, आगे लेकर बढ़ना है। क्योंकि मेरे पांव से जिन रिश्तों की जंजीरें लिपटी हैं, मैं अपने वजूद को भूल के यहां से नई पहचान लेकर जाना चाहती हूं। और जो लोग मेरे मुंतजर हैं, वो लोग सर उठा के जी सके। कोई मुंतजर हो, ये भी रब की कोई बहुत बड़ी नेमत नहीं है। अल्लाह तुम्हें तुम्हारे मकसद में बहुत कामयाब करे। दिल से दुआ है मेरी। आमीन। सुमामे नहीं बेटा, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जितना तुम्हारे डैड से तुम्हारे बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया। क्यों समीरा, होता है आजकल के लड़कों में इतना पैट्रियटिज्म? अब ऐसा भी नहीं है, अपनी आयरा को देख लीजिए, ब्रॉट अप उसका यूरोप में हुआ है लेकिन दिल से प्योर पाकिस्तानी है। बेटा तुम्हें शायद याद ना हो, तुम्हारी बचपन में आयरा से बहुत दोस्ती थी, शायद तुम्हारी मम्मा को याद हो। क्यों हुआ भाभी? जी भाभी बहुत अच्छी तरह से याद है मुझे, बहुत प्यारी बच्ची है माशाल्लाह। नहीं आंटी, आई डोंट रिमेम्बर हर। इट्स ओके बेटा, अभी आ रही है वापस यूरोप से, फिर मिलना तुम लोग। श्योर जरूर इंशाल्लाह।
बस आप लोग फिर नेक्स्ट वीक आ रहे हैं डिनर पे हमारी तरफ? हाँ हाँ श्योर। अरे भाई नेक्स्ट वीक तो हम कर लेंगे, आज का क्या प्रोग्राम है? अरे डिनर तैयार हुआ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी देख के आती हूँ ना डिनर। बिल्कुल आप लोग। मुश्किल किताब है यार, कौन पढ़ता है यार? हेलो हेलो अम्मी, आपकी आवाज। अम्मी मैं एक सेकंड बाहर जाके बात करती हूँ। जाता है इन तो मैं दसांगी यार। किच्चे हो यार। तिजा क्या ढूंढ रही हो? लब लिया। अज मैं इस महा की बच्ची नू ना एहो जो सबक सिखाओगी ना जिंदगी भर याद रखेगी। वैसे भी एहो जो मौका बार बार नहीं मिलता। फिजा ये तू क्या करने जा रही है? तुहानू बाद जो दसांगी, तुम मेरे नाल आओ। आ जाओ। मेरी बात सुनो, अभी रुक जाओ, सहर आएगी ना जो कुछ करना हुआ तब करना। ना ना ना, आज आप सारा काम करके सहर नू बा के बिठा के इंजॉय करावांगे। आ जाओ। यार तू ना एक बार फिर सोच ले। छोड़ो सोनिया इसको, इसका गुस्सा ना रिजल्ट के बाद सातवें आसमान पे होता है। पागल हो गई है ये। और तुझे मैं ना चलो, तुझे गल्ला करा लो गाड़ी पीछे दिया। तुम स्लिप हुई कैसे? पता नहीं कुछ पड़ा हुआ था। महा ऑयल, यहाँ किसी ने ऑयल गिराया है, तभी संभल स्लिप हुई है। माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सुनो इसको नीचे लेकर चलो, इसको बहुत दर्द हो रहा है। चलो आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से किसी मोज है, मैंने बैंडेज कर दिया, ठीक हो जाएगा। हल्की सी मोज है लेकिन मुझे दर्द हल्का सा नहीं हो रहा ना। थोड़ा तो दर्द होगा ना, मैं आपको पेन किलर दे दूंगी, ठीक हो जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये रूम के बाहर ऑयल आया कहां से। जरूर किसी ना किसी ने शरारत की होगी। लेकिन ऐसी शरारत कौन कर सकता है? ये शहर लोगों का ग्रुप ही है, वो लोग ही हम लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। हाँ सुमल ठीक कह रही हो, मुझे भी यही लगता है, ये जरूर शहर के ग्रुप की शरारत है। मैं वापस जाके ना वार्डन से शिकायत करूंगी, देखो मेरे पांव का क्या हाल कर दिया। अच्छा काम डाउन, डॉक्टर क्या अब हम जा सकते हैं? जी जी जा सकते हैं, बस इस बात का ख्याल रखिएगा ये इनके पांव में दबाव ना आए। चले ठीक है, थैंक यू, आ जाओ। हेलो जारा, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करूं, थोड़ी इमरजेंसी है। अरे रुको रुको, मुझे तुम्हें ये बताना था, आंटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है यार, उन्हें बहुत खांसी लगी हुई है। मैं गई थी कल और मुझे पता लगा तुम्हारे जाने के बाद वो बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती। अच्छा सुनो 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 जारा, मेरी दोस्त है ना सुम्बुल, उसके पैर पे चोट लग गई है तो बस मैं उसी को देख रही थी, उसके फौरन बाद मैं अम्मी को फोन कर रही हूँ। और सुनो, शुक्रिया यार तुमने मुझे बता दिया। शुक्रिया किस बात का माहा, तुम तो मेरी बहन जैसी हो और आंटी तो मेरी माँ जैसी है। बस मैं अभी करती हूँ फोन, अल्लाह हाफिज। अब तुम क्यों मुंह बनाए बैठी हो? हुआ तो वही ना जो तुम चाहती थी? ओ नहीं यार, वो कितने होया? मैंने उसे की माँ फोन सुन के अंदर जाएगी कमरे च, वो तो गई नहीं। सुम्बल आ गई बुआ खोल के, सारा प्लान ही चौपट करके रखता। तो हुआ क्या?
इसीलिए कहा जाता है कि जब शिकार पर निकलो तो अपनी नजरें अपने शिकार पर जमाए रखो। क्या नतीजा निकला तुम्हारे इस घिसे पिटे प्लान का? हमने ना इसे कहा भी था, बोला भी था कि शहर का वेट कर लो, लेकिन नहीं, मैडम के सर पे तो बदले का भूत सवार था, अब ले लो बदला। तो नाकाम भी तो हुई ना। केड़ी नाकामी होनी है, फिर होइएगा चाणा तो बदला में लवांगी, देखो लो मैं छड़ांगी नहीं, मैं महा दी बच्ची। बदला ना बाद में लेना, अभी फिलहाल चुप हो जाओ। पहले ही उन लोगों को हम पे शक हो गया, इससे पहले बाहर आवाज जाए और हंगामा खड़ा हो, ये सब मैं नहीं चाहती। मुझे इनके शक से ज्यादा उस हिटलर बीबी की परवाह हो रही है, अगर वो आ गई ना तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। क्यों जाग रही हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही? नले लेक्चर भी सुनना पैना होता। खैर ये फूल किस लिए रखा जा रहा है? जुहेब, कल उसे बुक लौटाऊंगी ना तो उसके साथ साथ ये फूल उसे मेरी दोस्ती का पैगाम भी देगा। काश वो इस दोस्ती के पैगाम का रिस्पांस भी दे दे। मुझे कोई जल्दी नहीं है, और देखने लगी वो बहुत जल्द मेरे शिकंजे में आ जाएगा। आखिर इसने जाना ही कहाँ है? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके पीछे लड़कियां पागल नहीं होती होंगी? अगर वो तुम्हारे साथ हो सकते तो हो ही नहीं सकता। ये फल सिर्फ मेरी ही झोली में आकर गिरेगा। ओह, कहीं मोहब्बत तो नहीं होगी तुम्हें? पता नहीं, मगर मेरे ख्वाबों की मंजिल उसकी जिंदगी के रास्ते से होकर गुजरती है। अगर वो मिल गया ना तो समझो मेरे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। इस टाइम ना ख्वाबों के महल से बाहर आ जाओ, इससे पहले सुबह आंख ना खुली ना तो वार्डन ने सारे ख्वाब ना किरची किरची कर देने। तुम ना अपना ये मुंह बंद रखा करो, इंसान की शक्ल अच्छी ना हो ना तो बातें अच्छी कर लेनी चाहिए। Now I'm getting bored. चलो यार। अच्छा भाई, तुम लोग आराम करो, हम भी चल के अपने कमरे में अब सोते हैं। सुबह मुलाकात होगी। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। और ये मैं अपने पास रखूंगी। अरे बेटे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कुछ भी नहीं है, हल्की सी खांसी है, तुम्हारे अब्बू ने दवाई पिला दी थी मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ अब। अम्मी ये जरा सी खांसी है, ये तो जारा ने मुझे बता दिया, वरना तो आप बिल्कुल नहीं बताती कुछ। कुछ नहीं है बेटे, ऐसे बस मामूली सी खांसी है। मामूली सी खांसी नहीं बेटा, बुखार भी है इसके साथ इन्हें। आप लगा ले मेरी शिकायत। यार मैं तो इन्हें समझा समझा के थक गया हूँ, इन्हें तुम ही कुछ कहो, सारा दिन काम में लगे रहती हैं। इन्हें समझाओ कि कुछ थोड़ा सा आराम भी कर लिया करें कभी। अम्मी ये मैं क्या सुन रही हूँ? कुछ भी नहीं है बेटे, तुम्हें पता है ना अबू की तबीयत का, ये तो ऐसे ही बस राई का पहाड़ बना देते हैं। यूं ही नहीं अम्मी, अगर आप पूरा दिन इतना काम ना करें तो आप इतनी बीमार नहीं पड़ती, और अगर मैं वहां पर नहीं हूं तो आप ऐसा करेंगी? अरे बेटे मैं, तुम खामखा परेशान मत हो। अच्छा अब आप उसे प्रॉमिस करें, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती आप किसी काम को हाथ नहीं लगाएंगी। अच्छा बाबा, वादा कर रही हूँ कोई काम नहीं करूंगी, आराम करूंगी, बस खुश हो। और अब्बू आप भी थोड़ा ख्याल रखें, अगर आप काम से एक दिन छुट्टी ले लेंगे तो हजारों का नुकसान नहीं हो जाएगा? अरे बेटा मैं तो हजारों क्या, लाखों का नुकसान करने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इन्हें समझाओ तो सही, इन दो हद कर रखी है यार। क्या कर रहे हैं आप? अच्छा खैर तुम ऐसा करो, तुम परेशान मत हो ना, मैं संभाल लूंगा। अच्छा हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, खाने पीने का ख्याल रख रही हो ना? सुना है हॉस्टल में खाना इतना अच्छा नहीं होता। अम्मी बिल्कुल ठीक होता है, बहुत साफ सुथरा, बिल्कुल घर के जैसा। चलो शुक्र है,
अल्लाह तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे। अम्मी मैं बाद में बात करती हूँ, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह के मान मेरे बच्चे, अपना ख्याल रखना। माहा, इस हॉस्टल के अव्वलीन उसूलों में से एक उसूल ये है कि कोई भी लड़की 10 बजे के बाद रात को कॉमन रूम में नहीं होगी, यानी अपने कमरे में होना चाहिए उसे। मैम वो मेरे पेरेंट्स की कॉल थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कॉल की वजह से सबकी नींद खराब हो। ठीक है, बहुत अच्छा होगा अगर इस हॉस्टल के जितने भी रूल्स हैं उनको तुम बहुत जल्दी सीख लो। That will be beneficial for you. You may go to your room. बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, जो मुझको छुएगा वो जल जाएगा। हाय जुबेदा, आज तो हॉस्टल की सारी लड़कियां देखकर जलेंगी तुझसे। कितनी प्यारी लग रही है, प्यारी लग रही है। जी मैडम जी, आपने बुलाया। 6:30 होने को आ गए, मेरी टेबल पर चाय क्यों नहीं पहुंची अभी तक? वो अभी लाई। देर होने की वजह पूछ सकती हूँ? अच्छा, तो ये जो सिंगार तुमने मनोटनो किया हुआ है ये वजह है। एक बात कान खोल के सुन लो, ये हॉस्टल है, फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। यहां पर अपने मेकअप से ज्यादा लोग अपने कामों पर तवज्जो रखते हैं, समझी? जाओ जल्दी से चाय लेकर आओ मेरे लिए। जी जी, अभी लाई।